आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बेड लगाकर दिखाया गया है कॉर्नर टेबल के साथ में, और हमारे डाइनिंग टेबल को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। यहाँ पर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट में कॉम्प्लीमेंट्री किचन ट्रॉलीज दी जा रही है सॉफ्ट क्लोजर के साथ में, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है जहाँ से आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized, jumping with our underwear out, wear like they're bringing anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए रावत एनेक्स लोकेशन से एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। अगर आप 2 and 3 BHK के ऑप्शंस देख रहे हैं जहां पर आपको 2 BHK में मिलते हैं 600-800 स्क्वायर फीट कारपेट और 3 BHK में मिलते हैं 1000+ स्क्वायर फीट कारपेट, साथ ही यहां पर आपको एक फ्लोर पर 4 ही फ्लैट देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको एक लार्ज साइज बालकनी देखने को मिलेगी जहां पर आप चाहें तो अपना एक मिनी गार्डन भी बना सकते हैं। अगर हम इस डेवलपर की लेगेसी को देखें तो इन्होंने लास्ट 20-25 में 25+ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैंडओवर किए हैं। अगर हम इस लोकेशन को देखें तो यहां से आपको बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुकाई चौक और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे जैसी लोकेशन से। यहां पर आपको 2 and 3 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 2 BHK का कारपेट शुरू होता है 604 स्क्वायर फीट एंड इट गोज टिल 797 स्क्वायर फीट। 3 BHK का कारपेट शुरू होता है 1053 स्क्वायर फीट एंड इट गोज टिल 1059 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग हम आपको वीडियो के एंड में रिवील करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। सो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को। इसका कारपेट एरिया है 1053 स्क्वायर फीट का। यहाँ पर आपको हर फ्लोर पर 4 ही फ्लैट देखने को मिलेंगे और 2 फ्लैट्स के बीच का डिस्टेंस 15 फीट का रहने वाला है। सो यू गेट अ डिसेंट स्पेस इन फ्रंट ऑफ योर फ्लैट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी प्रीमियम फिनिश का एंट्रेंस डोर दिया गया है। डोर के एजेस मोल्डेड रहेंगे, साथ ही यहाँ पर आपको रबर सीलिंग भी लगा के दिया जाएगा। नाउ लेट्स चेक इनसाइड। तो अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी जिसका साइज है 5.7x4 का, और इस एंट्रेंस लॉबी से हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है डोर पर आए हुए किसी भी विजिटर से। यहाँ पर आप चाहें तो अपने शू रैक का भी प्रोविजन कर सकते हैं या फिर उसको आप कुछ इस तरीके से आर्टिफैक्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो यहाँ पर आता है हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इसका साइज है 19x11 का, और अगर अपने हम लिविंग और डाइनिंग एरिया के लेआउट को देखेंगे तो ये हमें रेक्टेंगुलर शेप में मिल रहा है। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो भी काफी लार्ज साइज के, जिससे यहाँ पर आपको काफी प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा। अगर अपने हम लिविंग एरिया में सिटिंग के अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से अपना एक एल शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं। बीच में आप चाहें तो अपनी सेंटर टेबल लगा सकते हैं, और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जाएगा जहां पर आप अपना एक बड़ा सा LED यूनिट लगा सकते हैं। और इस तरफ आता है हमारा डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया जहां पर आप आराम से 4-6 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। हमारे लिविंग एरिया से लगी हुई हमें मिलती है बालकनी, तो आज एक बार अपनी हम बालकनी को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आती है हमारी ह्यूमंगस बालकनी। इसका साइज है 13.6x10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो अपना एक मिनी गार्डन भी प्लान कर सकते हैं। इस तरफ आपको वॉल टू वॉल लार्ज साइज के स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं जिससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही हमारे स्लाइडिंग डोर्स 50% तक ओपन होते हैं, और यहाँ पर आपको मॉस्किटो के लिए मेस भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है जहाँ से आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही यहाँ से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगा। इस तरफ आपको एक पावर पॉइंट दिया गया है जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आप वेस्ट पुणे लोकेशन में एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर हम आपके लिए रेगुलरली घर बैठे ही सैंपल फ्लैट का टूर कवर करते हैं और प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स भी शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारे डाइनिंग एरिया से लगा हुआ हमें मिलता है किचन जिसका साइज है 11.6x8 विथ इंक्लूज ड्राई एरिया, और यहाँ पर आपको मार्बल फिनिश के पैरेलल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। अगर यहाँ पर अपने हम करंट सेटअप को देखें तो इस तरफ आपको इनफ स्पेस मिल जाता है अपने एक बड़े से रेफ्रिजरेटर यूनिट के लिए। इस तरफ आता है हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म, और हमारे किचन अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको इनफ पावर पॉइंट भी दिए गए हैं। इस तरफ आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस तरफ आप अपना गैस स्टोव लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको चिमनी का भी प्रोविजन करके दिया गया है।
यहाँ पर आपको एक ऐसे सिंक दिया गया है मूवेबल टैब के साथ में, जिसको कि आप कुकिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा इनक्लोज ड्रायर, जहाँ पर आपको एक एडिशनल सिंक दिया गया है दो मूवेबल टैब के साथ में, जिसको कि आप डिश वॉशिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको वाटर प्यूरीफायर का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट के साथ में। साथ ही हमारे ड्राई एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक टाइल ड्रॉप भी दिया गया है, और फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो हमारे एंटी स्किड रहेंगे। यहाँ पर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट में सॉफ्ट क्लोजर किचन ट्रॉलीज दी जा रही हैं कैबिनेट्स के साथ में। तो जैसा आप किचन देख रहे हो आपको एज इट इज मिलने वाला है। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। तो हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते आता है हमारा कॉमन एरिया, और हमारे डाइनिंग टेबल को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। साथ ही यहाँ पर आपको एक लॉफ्ट भी दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको इन्वर्टर का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, तो आज एक बार अपने हम वॉशरूम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया गया है। यहाँ पर आपको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, और यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे जैगवार और हिंदवेयर ब्रांड के रहने वाले हैं। वॉल पर आप जो रिच एंड ग्लॉसी फिनिश वाले टाइल्स देख रहे हैं, ये भी आपको लेंटी लाइट तक मिलेंगे। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहेंगे, और इस तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको हर वॉशरूम में एक लेज भी दिया जा रहा है, जिसको कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके ठीक सामने है हमारा कॉमन बेडरूम, तो आज एक बार हम उसको देख लेते हैं। इस तरफ आता है हमारा कॉमन बेडरूम, जिसका साइज है 10x10 का, और यहाँ पर आप अपना एक बेड का प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आपको जो विंडो दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। इस तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक वाटरप्रूफ भी प्लान कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। यहाँ पर आता है हमारा सेकंड बेडरूम, जिसका साइज है 10x13 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बेड लगाकर दिखाया गया है कॉर्नर टेबल के साथ में। इस तरफ आपको जो विंडो दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे मॉस्किटो मैच के साथ में। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक बड़ा सा वार्डरोब भी प्लान कर सकते हैं। और इस तरफ आता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। वॉल टाइल्स का थीम डिफरेंट रहने वाला है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर आता है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 10x13 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बेड लगाकर दिखाया गया है कॉर्नर टेबल के साथ में। इस तरफ आपको जो एडिशनल विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, और इस तरफ आप चाहें तो अपना एक बड़ा सा वार्डरोब भी प्लान कर सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। वॉल टाइल्स का थीम डिफरेंट रहने वाला है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। और इस तरफ आती है हमारी पर्सनल बालकनी, इसका साइज है 5x9.5 का, और हमारे रेगुलर बालकनी के जैसे ये भी हमको ऊपर से कवर्ड ही मिलने वाली है, जहां पर आप अपना एक पर्सनल सिट आउट एरिया प्लान कर सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल में 14 फ्लोर्स के 6 टावर डेवलप किए जाएंगे, और इसका पोजीशन है दिसंबर 2026। यहां पर आपको सारी स्टैंडर्ड एंड लाइफस्टाइल एमिनिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्लब हाउस, बेबी पूल, किड्स प्ले एरिया, लैंडस्केप गार्डन एंड पार्टी लॉन। अगर हम इसकी प्राइसिंग को देखें तो 2 बीएचके की प्राइसिंग शुरू होती है 50 लाख ऑनवर्ड्स, वहीं 3 बीएचके की प्राइसिंग है 85 लाख ऑल इंक्लूसिव। सिंस ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च में है, तो यहां पर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही यहाँ पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।